मैं मुस्कान सिंह आज़ाद, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे सीजन 2021 का आगाज़। ताज नगरी आगरा में लगातार तीसरे वर्ष फिर से होगी देश विदेश की सार्थक फिल्मों की स्क्रीनिंग और अवार्ड नाइट। संस्था के छात्रों को भी इसका खास फायदा होगा, साथ ही नई फिल्म कलाकारों को भी लाभ होगा। नई फिल्म कलाकारों जाने माने नम्रता निर्देशक और टेक्नीशियनों से सवाल जवाब भी कर पाएंगे। फिल्मों का प्रदर्शन वीवी के खंडारी परिसर जेपी सभागार में किया जाएगा। आप देख रहे हैं आगरा से प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। लगातार दो साल से करते आ रहे हैं और मेरा एज ए प्रोड्यूसर मानना है कि जितना गोल्डन पीरियड आज के समय में फिल्म लाइन का है वो इतिहास में कभी नहीं रहा। इससे पहले एज ए प्रोड्यूसर हम चाहे 1 करोड़ की फिल्म बनाए या 5 करोड़ की बनाए, तो बनाने के बाद हम दर दर भटकते थे, डिस्ट्रीब्यूटरों को इन्वाइट करते थे, उनके मूड में आया हाँ कह दिया ना कह दिया। लेकिन आज जो गोल्डन पीरियड ओटीटी ने हमको दिया है उसका कारण है कि हम इसे लेके जाते हैं और वो उसमें हमको पसंद करके कह देते हैं कि हम इतने लाख रुपया पर एपिसोड आपको देंगे। तो मतलब श्योर है कि विद इन 6 मंथ जितना पैसा हम लगाएंगे, जितनी अच्छी फिल्म बनाएंगे उतनी रिकवरी आएगी। सर, किस प्रकार ये तो दिखाई जाएंगी और किस प्रकार चयन किया जाएगा, ये स्क्रिप्ट वो फाइनल करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले। अब हम आते हैं फेस्टिवल के ऊपर। जो लोग बड़ी फिल्में नहीं बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म हमारे शहर में और भी शहरों ने फिल्म फेस्टिवल का दिया है कि आप अपनी 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की अपने लोकल आर्टिस्ट लेकर एक मेला हमने लगाया है। उस मेले के अंदर वो सब लोग आते हैं और देखने के बाद उनको पता लगता है कि हमारी क्या कमियां हैं और जब अगली बार आएंगे उन कमियों को दूर करते हुए एक प्लेटफॉर्म दिया है हमने जिनको फिल्म बनाने का शौक है। प्रत्येक वर्ष आपके यहाँ हाल के अवार्ड दिया जाता था, इस बार किसी व्यक्ति का नाम चयन किया गया है? इसमें अभी चयन किया गया नहीं है, अभी चयन किया जाएगा जब हम फिल्में देखेंगे। जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सृष्टि काल में भी जो बीज होता है शुभता का बीज वो बाद में सृष्टि का रूप धारण करता है, प्रलय काल में भी। तो ये एक रचनात्मक कार्य है और विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है कि यहाँ की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, अवसर दिया जाए। और फिल्म एक सशक्त माध्यम है समाज की चीजों को जनता के बीच लाने के लिए। जो ज्वलंत मुद्दे देखिए, केवल एक दो पक्ष होते हैं, एक सामाजिक पक्ष एक आर्थिक पक्ष। आगरा को जो इससे दोनों पक्ष का लाभ होगा, पहली चीज तो जो यहाँ के टैलेंट्स है जो यूथ है उनको भी एक दृष्टि मिलेगी, विजन मिलेगा कि फिल्म निर्माण भी एक कैरियर का हिस्सा हो सकता है, नंबर एक। दूसरी बात कि अच्छी फिल्में आएंगी, रचनात्मक फिल्में आएंगी जो समाज के लिए प्रेरणादायी होंगी। जैसे आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, तमाम ऐसे यूथ आएंगे जो यहाँ के आजादी के जो वीर थे, वीरांगनाएं थी, उन पे फिल्म लेके आएंगे, उनके बारे में जनता को बताएंगे। तो ये एक सामाजिक पहलू हुआ। के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ और बहुत ज्यादा उत्साहित भी हूँ कि ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अपने शहर में, मुझे लगता है कि ये हर जगह होना चाहिए और देश के और पूरे ही समाज के जितने भी कलाकार वर्ग के लोग हैं, क्योंकि फिल्म किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें कलाकार होते हैं जो रंगमंच से लेकर के फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। इसके साथ ही जहां मैं साहित्य की बात करूं तो लेखक वर्ग जब आता है तो मैं कहना चाहती हूं कि सभी लोगों का जो समावेश होता है वो जाकर एक फिल्म बनती है। तो इस फिल्म को आप किस तरीके से प्रचारित करते हैं और कितनी फिल्में इस फेस्टिवल में आने वाली हैं, कितनी फिल्मों का चयन होने वाला है, तो ये सब तो अब 3 दिनों के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में इस तरह की उस योजना में नहीं जाते हैं, जिस तरह की जो फिल्म है उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए किस प्रकार की योजना रहेगा आपका?
हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए भी किया जा सके और कुछ ना कुछ प्रेरणादायक कुछ ऐसा कार्य किया जा सके कि सभी का सहयोग किसके साथ में वरिष्ठ लोगों के सहयोग के साथ सभी के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा योगदान भी इसमें कर सके। फेस्टिवल है जो आगरा में ये तीसरा इसका चरण है, इसी साल इसकी जो बीजारोपण जैसा डॉक्टर लवकुश मिश्रा जी ने बताया वो 2010 से पहले कर चुके थे और इसका जो मकसद है इसका उद्देश्य ये है कि जो नई फिल्म मेकर्स हैं जो कम बजट की या बजट को अगर हम बात नहीं करें तो संदेश देने वाली फिल्में होती हैं और राष्ट्र से उत्पन्न फिल्में होती हैं, ऐसी फिल्मों को दिखाना जो रिलीज नहीं हो पाती है बहुत सारी बजट के अभाव में, उन फिल्मों को रिलीज करते हैं और कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं उन्हें प्रमोट करने का फेस्टिवल्स काम करते हैं आगरा में ही नहीं देश में और दुनिया में, यही इसका एक उद्देश्य। ग्लोबल ताज फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस वर्ष भी 26, 27, 28 तीन दिनों का किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 26 तारीख को 3 बजे से किया जाएगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। पिछले लगातार 3 वर्षों से हो रहा है, मैं सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अवसर का, शुक्रिया, धन्यवाद। गजल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती, चांद बने आसमां में निकल गए मेरे, बेरुखी छोड़ दी मन बदल कर मिले तुम गजल में मुझे। और मोहब्बत है क्या, बहुत बहुत आत्मिक। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।